So when I asked the price, she said this lehenga is for 6.9 lakhs, मतलब 7 लाख के अराउंड ये लहंगा है. चीज के पॉइंटर बना लिए ताकि आपको अच्छे से ज्ञान दे. As usual ब्राइडल लहंगा और कोई गड़बड़ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता. जब मैंने वो लहंगा ट्राई किया, ट्रस्ट मी, ऐसा था कि हाँ, एक मैंने एक सांस ली थी राहत की. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Finally the video is here. सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो आई थिंक 2023 की यही होने वाली है. जिस दिन भी मेरी स्टोरीज आउट हुई थी इंस्टाग्राम पे, मैंने पिक्चर्स डाली थी, सब ये पूछ रहे थे अपनी लहंगा की स्टोरी बताओ, बिकॉज जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, दे हैव सीन माई स्ट्रगल. मैं ग्लिम्सेस डालती थी नवंबर से जब मैं शॉपिंग कर रही थी, एंड ट्रस्ट मी, मैंने पूरी दिल्ली घूम लिया फॉर ब्राइडल लहंगा. सो एंड यही होता है, दिल्ली एक हब माना जाता है ब्राइडल लहंगा का, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी मार्केट्स हैं, लाइक चांदनी चौक और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं. तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी अच्छी गाइड हो जाएगी, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना ब्राइडल लहंगा कैसे हंट किया, कैसे डिज़ाइन करवाया. मेरा लहंगा रेडीमेड लहंगा नहीं है, मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनवाया, तो मैं पूरी स्टोरी आपको बताने वाली हूँ एंड द कॉस्टिंग एज वेल. ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी गाइड रहेगी. एंड ना सिर्फ डेली, आप कहीं पे भी रहते हो, कुछ कुछ टिप्स होती हैं जो ब्राइडल लहंगा लेते टाइम आपको दिमाग में रखनी चाहिए, तो वो इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिल जाएगा. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट, एंड मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है आपने, बिकॉज काफ़ी लोग खाली वीडियोज देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते. सो प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर एंड तक पसंद आएगी तो जरा लाइक भी कर देना. सो बिफोर आई बिगिन विद माई ब्राइडल लहंगा स्ट्रगल स्टोरी, लेट मी डू अ क्विक मेकअप रूटीन विद यू गाइज. आप देख सकते हो बिल्कुल भी अभी मेकअप नहीं किया हुआ, खाली मॉइस्चराइज करी है मैंने अपनी स्किन. सो क्या होता है ना, जिनकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन होती है, उनको बहुत ज्यादा डर लगता है हम कौन सा मेकअप यूज करें, हम कौन सा प्राइमर यूज करें, हमें फुल कवरेज मेकअप नहीं चाहिए, हल्का फुल्का डेली के लिए बीबी क्रीम बताओ. तो आपके लिए मेरे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो एकदम परफेक्ट है, बिकॉज ये स्किन केयर विद मेकअप बेनिफिट्स आपको दे रहे हैं. यू गाइज नो डर्माको इज अ वेरी नाइस स्किन केयर ब्रांड, एंड नाउ दे हैव लॉन्च्ड मेकअप एज वेल. सबसे पहले मेरे पास 2% नायसिनमाइड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. ये पोर मिनिमाइजिंग एंड मैटिफाइंग इफेक्ट देता है. इसके अंदर आपको मिलता है 2% नियासिनमाइड, सेबो क्लियर मिलता है, इसमें वाइटामिन ई है. सो इसका काफी अच्छा जेल बेस्ड टेक्सचर, आप देख सकते हो कितना अच्छे से, जो प्रॉपर एक प्राइमर वाला टेक्सचर होता है ना, इसका बिल्कुल वैसा टेक्सचर है. बहुत अच्छे से ये पोर्स को फिल इन कर देता है. नायासिनमाइड हम सबको पता है उसकी बहुत अच्छी एक्ने मार्क्स हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, डार्क स्पॉट्स एक्ने मार्क्स को हटाने में हेल्प करता है. फिर वाइटामिन ई जो होता है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो नरिश करता है ड्राई फ्लेकी स्किन को. सो अगर आपका भी फाउंडेशन क्रैक होता है, पोर्स फिल इन नहीं हो पाते, ये प्राइमर आपके लिए परफेक्ट है, बिकॉज इसको यूज करने के बाद स्किन ड्राई नहीं फील होती और फाउंडेशन का बेस बहुत अच्छा बनता है. फिर इसमें सेबो क्लियर एमपी भी है, जो बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं जिसकी वजह से हमें ऑयली हो जाती है, हमारी स्किन ब्लैक हेड्स बनते हैं, उसको रिड्यूस करता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एक्ने कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उसको भी किल करने की कोशिश करता है. सो ओवरऑल इसको यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी स्मूथ स्किन हो जाती है, आप देख सकते हो द रिजल्ट इज रियली, मतलब खुद भी जब टच करोगे ना आपको बहुत अच्छा फील होगा. नेक्स्ट वी हैव 2% नायसिनमाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम. दिस इज रियली रियली नाइस अगर आप एवरीडे बेसिस के लिए कुछ देख रहे हो, जो आपको बहुत अच्छा एक मेकअप का इफेक्ट भी देता है, लेकिन ज़्यादा हैवी फील नहीं होता. यू नो लाइक आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, आपको हल्की फुल्की कवरेज चाहिए लेकिन आपको ओवर बन के नहीं जाना, उसके लिए ये जस्ट परफेक्ट है. ये क्लेम भी करता है डूई एंड इवन टोन स्किन विच इज राइट. इसके बाद एक काफी अच्छा हाइड्रेटेड और डूई फील होती है. तो अगर आपकी सॉर्ट ऑफ ड्राई स्किन है, फिर आपके फेस पर फाउंडेशन क्रैक होता है, ये ट्राई करना आपको बहुत पसंद आने वाला है. इफ आई टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, इसमें सबसे पहले है 2% नियासिनमाइड, जो अगेन रिड्यूस करता है एक्ने मार्क्स को, डार्क स्पॉट्स को, प्लस इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड भी है, जिसकी वजह से ये काफी अच्छे से हाइड्रेशन देता है स्किन को, डूई इफेक्ट देता है, एंड ओवरऑल स्किन काफी अच्छी लगती है. सो दिस इज रियली नाइस, आपको दोनों के बेनिफिट मिलते हैं. और कवरेज आप देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको दिखाई हुई है, एक्ने मार्क्स के लिए काफी अच्छी कवरेज देता है, और ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है. इनफैक्ट दोनों ही फ्रेग्रेंस फ्री हैं, तो अगर आपकी स्किन अल्ट्रा अल्ट्रा सेंसिटिव है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. दीज आर सल्फेट, डाई फ्री, पैराबिन, मिनरल ऑयल फ्री. दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बीबी क्रीम. यू कैन सी काफी नेचुरल कवरेज आई है, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा, बिल्कुल फुल कवरेज भी नहीं होता, लेकिन अच्छे से एक्ने मार्क्स भी मेरे हाइड हो गए हैं. एवरीडे के लिए एकदम परफेक्ट है, एंड आई लव द फैक्ट कि प्राइमर और इस बीबी क्रीम के बाद मेरी स्किन क्रैक नहीं हो रही, फट नहीं रही, कहीं पर भी पैचेस नहीं आ रहे. मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा फाउंडेशन के पैचेस आते हैं, लेकिन ये वाली बीबी क्रीम के बिल्कुल भी पैचेस नहीं आए. सो हाईली हाईली रिकमेंडेड. फटाफट से आई शेडो और लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, एंड देन आई गेट बैक टू यू. एंड दिस इज द फाइनल लुक. आई लव हाउ माई बेस लुक्स. बहुत अच्छी डूई बीबी क्रीम है ना ये, तो फाइनल लुक भी काफी अच्छा है, बिकॉज नेचुरली एक ग्लो आ रहा है. हल्का सा हाईलाइटर ब्लश लगाया, दैट्स इट. आई शेडो कर ली, लिपस्टिक लगा ली, एंड आई एम गुड टू गो. यू कैन डेफिनेटली परचेज इट फ्रॉम डर्माको ऑफिशियल वेबसाइट. बाय द वे, डर्माको के सारे प्रोडक्ट्स अब फ्रेग्रेंस फ्री हो चुके हैं, सो ये भी फ्रेग्रेंस फ्री है. अगर आप एक फ्रेग्रेंस फ्री अच्छी बीबी क्रीम ढूंढ रहे हो, योर सर्च एंड्स हियर. दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. आप भी परचेज कर सकते हो डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से. यू कैन यूज माई कोड कशिका 2023 फॉर एक्स्ट्रा 20%
20% off. Also, the best part is every time you buy from Dermaco, they will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. They have pledged to help 10,000 students across the year, which is a very nice initiative. लेकिन इसके अलावा ये आपको Amazon, Nykaa पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी purchase कर सकते हो. जो भी details होंगे मैं नीचे description box में डाल दूंगी, so please check कर लेना. अब शुरू करते हैं हमारे ब्राइडल लहंगा स्ट्रगल स्टोरी के साथ. एंड लिटरली इस वीडियो के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं बिकॉज काफी सारी चीजें हैं, मैं बोलना नहीं चाहती थी. आई रियली वॉन्टेड एक एक चीज मैं आपको बताऊं. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे. ब्राइडल एशिया, ब्राइडल एशिया लगा था यहाँ पर, ताज होटल है सीपी में, वहां पर लगा था. मुझे इंस्टाग्राम पर रैंडमली एड आ गया था, सो मैंने रजिस्टर कर दिया. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल नूब हूँ इन टर्म्स ऑफ ब्राइडल लहंगा. मुझे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली इसे पहले कभी लिया नहीं, प्लस किसी और के साथ कभी ब्राइडल शॉपिंग नहीं करी, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. सो मुझे ब्राइडल एशिया काफी सही लगा. मुझे लगा वहां जाऊंगी, बड़े बड़े डिजाइनर्स के लहंगे लगे होंगे, मुझे एक कंपैरिजन पता चलेगा. बट ऐसा नहीं था. ब्राइडल एशिया में जो होती है ना, वो यू कैन से टीयर टू टीयर थ्री टाइप ऑफ डिजाइनर्स होते हैं. लाइक दिल्ली में जितने भी हॉज खास, शाहपुर जाट में बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, डिजाइनर स्टोर्स, वैसे वहां पर आपको लेबल्स अलग अलग मिलेंगे, छोटे छोटे काउंटर्स लगे होते हैं. सो वो वाले डिजाइनर्स थे, वो हाई एंड वाले नहीं थे, लेकिन उनके भी रेट्स काफी हाई थे. मतलब वो बेसिक डिजाइनर ही वहां पर 1+ चार्ज कर रहे थे. एंड द वर्क वॉज एवरेज. मतलब वहां पर मुझे कोई भी ऐसा लहंगा देख के लगा नहीं कि ओ माई गॉड ये काफी वाओ लहंगा. आते हैं नेक्स्ट डे. सो नेक्स्ट डे नहीं, 6 दिसंबर 2022 या 6 दिसंबर को फर्स्ट टाइम मैं अमन के साथ ही गई थी. मैं गई थी मेहरोली, बिकॉज मेहरोली में अगर आपको नहीं पता वहां पर काफी बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं. इनफैक्ट वहां जितने डिजाइनर्स हैं वो लहंगे ही रखते हैं, इंडियन वेयर एंड लहंगाज वहां की स्पेशलिटी यही है. सो अगर आप भी काफी अच्छा खासा तगड़ा बजट लेके चल रहे हो तो आप मेहरोली डेफिनेटली जा सकते हो. नाउ इसको मैं कहीं ना कहीं गलती बोलूंगी, बिकॉज आप कभी भी अपनी ब्राइडल शॉपिंग शुरू करो ना, एकदम हाई एंड पे मत जाओ. बिकॉज आप जब एकदम हाई एंड कपड़े देख लेते हो ना, फिर आपको एवरेज कपड़े नहीं पसंद आते. और मेरे साथ यही गड़बड़ हो गई. मैं सीधा गई पहले ब्राइडल एशिया, वहां पे भी डिजाइनर स्टोर थे, उसके बाद मैं मेहरोली गई, वहां पर भी सारे डिजाइनर स्टोर थे. सो मेहरोली में आई रिमेंबर मैं गई थी मनीष मल्होत्रा के स्टोर में गई थी, सब्यसाची में गई थी. सब्यसाची का काफी ज्यादा हाइप थी. लाइक मैं NDTV पर शो आता था बैंड बाजा ब्राइड, में बहुत देखती थी. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट शो. मैंने तो एक बार वेबसाइट खोल के देखा भी था कि अप्लाई कैसे करते हैं, रूल्स एंड ऑल क्या होते हैं. बट जब मैंने खोला तो ऑब्वियसली मेरी शादी काफी क्लोज थी तो मैं अप्लाई नहीं कर पाई. बट मेरा मन था कि मैं अप्लाई करूं. बट नेवर माइंड, मैं जब सब्यसाची के स्टोर में गया आई थॉट वहां पे एकदम बहुत बड़ी कोई कलेक्शन होगी लहंगा की. बट ऐसा नहीं होता. जितने भी डिजाइनर्स होते हैं वो लिमिटेड पीसेस ही निकालते हैं. लाइक सब्यसाची 10 से 20 लहंगा ही थे वहां पे ऊपर वाले फ्लोर पे, जो ब्राइडल लहंगा होते हैं, जो शादी वाले लहंगे बोलते हैं. अदरवाइज काफी सारी साड़ीज भी थी, गाउन्स भी थे, लेकिन शादी के लहंगे काफी लिमिटेड थे. एंड ऑनेस्टली वो जो लहंगे थे ना, वो ऐसे हुए थे, मतलब आई वुड कॉल इट देखे हुए लहंगे. मतलब इंस्टाग्राम पे सबने वो पहने हुए हैं. चांदनी चौक में आपको जाओगे, आपको अब भर भर के इनके ड्यूप्स मिलेंगे. तो मतलब मैं इतना पैसा भी लगाऊं और वो चीज यूनिक ना हो तो फायदा नहीं है उसका. मैंने सब्यसाची में एक लहंगा ट्राई किया, अमन को काफी पसंद भी आया था और रेट काफी ज्यादा हाई था उसका. आई थिंक आई रिमेम्बर 4 या 5 लाख प्लस था वो. उसका नाम इंदिरा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं अभी पिक्चर भी उसकी इंसर्ट कर दूंगी. सब्यसाची इट्स अ ब्रांड एंड आई वाज लाइक नहीं, वाओ नहीं है, मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे वाओ एलिमेंट चाहिए. बाद आई वेंट टू रिम्पल एंड हरप्रीत. अब यहां से शुरू होती है प्रॉपर ब्राइडल लहंगा की स्टोरी, बिकॉज इस स्टोर पे जाके जो पूरी कहानी थी ना वो चेंज हो गई. इस स्टोर के में जाने की वजह से आई थिंक मेरे सबसे ज्यादा अप एंड डाउन हुए, बिकॉज यहां पर जब मैं गई मैंने इनकी पूरी कलेक्शन देखी. बाय द वे इफ यू डोंट नो राहा व्हिच इज रिम्पल एंड हरप्रीत, ये मेहरोली में है, डिफेंस कॉलोनी में है और भी काफी सारी सिटीज में है. दे स्पेसिफिकली मेक ब्राइडल लहंगा. एंड एक्चुअल में आप जो पंजाबी वेडिंग्स देखोगे ना, आप सिख वेडिंग्स देखोगे, उसमें जो सदानींग्स होती हैं वो मेजरली रिम्पल हरप्रीत के लहंगे पहनते हैं. बिकॉज इनके जो डिजाइन होते हैं ना, दे आर वेरी मच मोर ऑफ अ पंजाबी वेडिंग एस्थेटिक. इनके पूरा जो लुक होती है ना, वो काफी अच्छी पंजाबी लुक देती है. दे हैड लाइक हर लहंगे पे कुछ ना कुछ स्टोरी थी, मोर बने हुए हैं, पक्षी बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लहंगे थे. काफी सारे गोटा पट्टी वाले लहंगे थे, लेकिन उसमें मुझे एक लहंगा पसंद आया, एकदम ब्राइट रेड, टोमेटो रेड कलर का. नाउ सबसे पहले होता है कलर. मैं आपको यहाँ ज्ञान देना चाहती हूँ, कभी भी आप ब्राइडल लहंगा शॉपिंग के लिए जाओ, दिमाग में सेट कर लो कलर कौन सा लेना है. बिकॉज ऐसे तो फिर वैरायटी एंडलेस हो जाएगी, आप बैठे रहोगे, आप बोलोगे और दिखाओ और दिखाओ, ऐसे नहीं होता. अपने दिमाग में कलर पहले से बना के चलो. लाइक मेरा था मुझे रेड पहनना है, मेरा नहीं था, मेरी मदर का था. माय मॉम वाज लाइक बेटा लहंगा लाल ही पहनना है, बिकॉज शादी है लाल लहंगा ही जाता है. बाकी जितने भी रिलेटिव्स हैं, कजन की शादी होगी, पेस्टल लहंगा पहनते रहना, उसकी टेंशन मत लो. बट शादी में लाल लहंगा ही पहनना है. सो या मेरा फिक्स था कि मुझे लाल लहंगा ही पहनना है. सो जब मैं रिम्पल हरप्रीत के स्टोर में गई, रेड कलर का बड़ा सुंदर लहंगा दिखा, उस पर इतना प्यारा काम था, मतलब
फ्लावर्स बने हुए हैं, मोर बने हुए हैं, इट हैज बटरफ्लाइज, छोटे से पैरट बने हुए हैं, नीचे का काम इतना सुंदर था, उसको देख के इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने प्राइस भी नहीं पूछा. सो आई सेड मैं ट्राई करूंगी. मैं गई, मैंने ट्राई किया, उन्होंने प्रॉपर ड्रेप किया. आप कभी भी डिजाइनर स्टोर में जाओगे ना, आपको प्रॉपर लहंगा ड्रेप कराते हैं, प्रॉपर सेट पहनाते हैं, सब कुछ ऐसे रेडी करा के ना फिर दिखाते हैं. एंड व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द ट्रायल रूम, जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई, जो वो लगाते हैं प्लेटफॉर्म उसके ऊपर खड़ी हुई, आई रिमेंबर अमन स्वामी वॉज लाइक, दिस इज द लहंगा दैट यू हैव टू वेयर. मैंने अपने आपको मिरर में देखा ना, लिटरली फेल इन लव. और मैंने चुपके से ट्रायल रूम में एक पिक्चर भी ले ली थी, दो वहाँ पे पिक्चर्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने चुपके से जल्दी से पिक्चर ले ली थी. देखो सब कुछ रियल है, मैं कुछ भी छुपाने नहीं वाली, मैं पूरी रियलिटी आपको बता रही हूँ. तो मैं वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, जब पूरा मुझे लहंगा पसंद आ गया, आई थॉट कितने का आ जाएगा डिजाइनर लहंगा, 2 लाख 3 लाख, मतलब एक्सट्रीम पे जाके 3.5-4 लाख, बिकॉज ऑब्वियसली इससे पहले मैंने कभी डिजाइनर लहंगा ट्राई नहीं किए. सो आई आस्क्ड द प्राइस, शी सेड दिस लहंगा इज फॉर 6.9 लाख, मतलब 7 लाख के अराउंड ये लहंगा है. और इसमें अगर आप थर्ड दुपट्टा, जो ऑब्वियसली मस्ट हैव होता है सर पे, तो आप दुपट्टा लोगे ही जो इससे मैचिंग होगा, और जो बेल्ट आएगी, पोटली आएगी, उसका हम 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा लेंगे. सो ओवरऑल ये जो लहंगा है आपको 8.5 लाख का पड़ेगा. एंड मतलब 2 मिनट तो ऐसा होता ना कि मेरी हार्ट बीट रुक गई थी, बिकॉज 8.5 लाख इज अ वेरी हाई वैल्यू. एंड आई वाज लाइक, मैं अपने सपने में भी कभी नहीं सोच सकती थी कोई ब्राइडल लहंगा इतना महंगा कैसे हो सकती. मुझे एक और सेकंड लहंगा ट्राई करना था वहां पर, मैंने उसका भी प्राइस पूछ लिया, मैंने ट्राई ही नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली इतना हाई मैं पे नहीं कर सकती, तो फायदा नहीं है ट्राई करने का. ये तो मैंने एक्साइटमेंट में ट्राई कर लिया, मैंने देखा भी नहीं प्राइस. तो ये तो 6 दिसंबर की स्टोरी थी. उसके बाद मैं गई 9 दिसंबर को चांदनी चौक. अब मैं इतनी जल्दी क्यों गई, बिकॉज जब 6 दिसंबर को मैंने वहां पर रिम्पल के स्टोर में उनको बताया कि मेरी शादी ऐसे फेब में है, 25 फेब की मेरी शादी है, उन्होंने सुनते ही बोल दिया, वी आर वेरी सॉरी, हम आपको ये लहंगा चाह के भी नहीं दे सकते. मतलब अगर मेरे पास मेरा मन भी हो ना लेने का, वो मुझे नहीं दे सकते, बिकॉज उनकी पॉलिसी थी कि 3 मंथ्स हमें मिनिमम चाहिए लहंगा बनाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली हैंडवर्क का काम होता है, काफी बारीक महीन काम होता है, तो टाइम लगता है. और ये चीज मुझे अगेन पहले से नहीं पता थी. सो एक ज्ञान आपको और दे रही हूँ, कभी भी आप हैंडवर्क का लहंगा, अच्छी क्वालिटी का डिजाइनर या फिर जैसा भी हैंडवर्क का लहंगा अगर आप पहनना चाहते हो ना, आपको कम से कम 3 से 4 महीने का विंडो रखना चाहिए. सो ऐसे नहीं आपकी शादी नेक्स्ट मंथ में और आप बोल वहां पे जाओ बोलो मुझे हैंडवर्क का लहंगा दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. कोई भी डिजाइनर कम से कम 3 से 4 महीने लेगा ही आपका हैंडवर्क का लहंगा रेडी करने में. अब 6 दिसंबर को जब मैं यहाँ गई थी ना, मुझे होगी टेंशन कि सब बोल रहे हैं लहंगा रेडी नहीं होगा. सो मैं 9 दिसंबर को चली गई चांदनी चौक, बिकॉज ऑब्वियसली चांदनी चौक भी एक्सप्लोर करना था. दिल्ली में रहती हूँ और चांदनी चौक की ब्राइडल कलेक्शन है, देखूँ ऐसा तो हो नहीं सकता. सो चांदनी चौक में मैं गई. अब चांदनी चौक के लिए मैंने पूरी रिसर्च कर रखी थी, मैंने पहले इंस्टाग्राम पे देख लिए थे फेमस स्टोर कौन से हैं. आई फॉलो लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर, आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो आपको चांदनी चौक की वीडियोस दिखाते हैं. देयर इज एन इन्फ्लुएंसर फ्लॉन्ट देसी करके, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी उनकी डाल दूंगी, फ्री में उनको शाउट आउट दे रही हूँ, बिकॉज हर वर्क इज एक्चुअली वेरी गुड. वो सारे चांदनी चौक के जो स्टोर्स होते हैं ना, वो एक्सप्लोर करके दिखाती है, उनके रेट्स बताती है, उनका एड्रेस लिखती है. सो मैंने उनके पेज के थ्रू ही बहुत सारे पेजेस सेव कर लिए थे. सो आई न्यू कि वहाँ पे सूर्या साड़ी था, तो सबसे पहले मैं अपनी भाभी के साथ गई थी, वी वेंट टू सूर्या साड़ी, बिकॉज ब्राइडल एशिया में मैंने सूर्या साड़ी देखा था. ओके, सो सूर्या साड़ी में जब मैं गई, इट इज़ ह्यूज. मतलब अगर आप सोच रहे हो ना चांदनी चौक का स्टोर है छोटा सा होगा, नहीं, सूर्या साड़ी अंदर जाके ही कोई अलग दुनिया बनी हुई है. वो मालीवाड़ा में है. अगर आप चांदनी चौक उतरोगे, वहाँ से ही वॉकिंग डिस्टेंस है. अगर आप उससे पहले चावड़ी बाजार उतरोगे, वहाँ से भी इक्वल वॉकिंग डिस्टेंस पड़ता है. सो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी जा सकते हो. आप उतरो, आप किसी पूछो सूर्या साड़ी जाना है, वो आपको वहीं एकदम ले जाएंगे. यहाँ पर काफ़ी सारे गाइड भी होते हैं जो आपको छोड़ देते हैं वहाँ पर. सो बहुत बड़ा वो स्टोर है, आपको बाहर ही बोल देते हैं अपनी फुटवेयर उतार दो. एक और टिप मैं देना चाहती हूँ, चांदनी चौक कभी भी जाओ सॉक्स पहनकर जाना, बिकॉज मैक्सिमम स्टोर्स में वो आपके शूज बाहर उतरवा देते हैं, एंड देन यू हैव टू वॉक बेयरफुट एंड पैर बिल्कुल काले हो जाते हैं. सो मैं थैंक गॉड उस दिन सॉक्स पहन के गई थी. सो अंदर अंदर एक्सप्लोर करते गए. एंड आई एम रियली सॉरी, मेरे पास वीडियो क्लिप्स नहीं है, बिकॉज वहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं होती. दे डोंट अलाउ, मतलब आपको फोन निकाल के ऐसे फोटो भी नहीं खींचने देंगे. स्ट्रिक्टली हर स्टोर में लिखा होता है फोटो इज नॉट अलाउड. ये जो लोग वीडियोज बनाते हैं, ये कोलैबोरेशन वाली होती है, ये ऑलरेडी वहाँ पे ओनर से बात करके रखते हैं. मेरा वाला सीन नहीं था, मैं तो ऐसा रेगुलर कस्टमर गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकती, बट मैं आप पे आपको सारी डिटेल्स देती रहूंगी. सो वहां पर मैं गई, मैंने लहंगे ट्राई किए. अब मैंने वहां पे नॉर्मल लहंगे देखे जो मुझे पसंद नहीं आए. सो उसके बाद दे सेड हमारा एक स्टूडियो रूम भी है अलग से, जहां पे आप अपॉइंटमेंट लोगे आप अंदर जा सकते हो. और वहां पे जो लहंगे का प्राइस है वो 1.5 लाख प्लस है, मतलब वो अच्छे वाले लहंगे वो 1.5 लाख से ऊपर के. ठीक है, देख लेते हैं. मैंने वहां पे उसी टाइम हैंड टू हैंड अपॉइंटमेंट ली. व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ गया था दे सेड आपको 1 आवर वेट करना होगा. सो 1 आवर का जो वेटिंग टाइम था, मैं कहीं और चलेगी. सो मैंने पहले से ही एक अपॉइंटमेंट ली थी
आशियाना कोटेहोर, ये भी सबको पता होगा आशियाना कोटेहोर काफ़ी फेमस है, मैंने वहाँ की भी अपॉइंटमेंट ली हुई थी, सो आई थॉट मैं इतने वहाँ चली जाती हूँ. सो वी वेंट टू आशियाना कोटेहोर एंड वो लिटरली एक नीचे कतरन की दुकान है, मतलब जो ऐसे पीसेज ही सेल करते कपड़ों के, जो आप मटेरियल लेते हो अलग से, उसकी दुकान है और उसके ऊपर वो कोटेहोर की दुकान मतलब शोरूम है. एंड लिटरली वहाँ जाके आप बाहर से जज भी नहीं कर सकते कि अंदर एक कोटेहोर वाला शोरूम होगा. आई एम रियली सॉरी बाहर किड्स खेल रहे हैं, बट लेट जस्ट इग्नोर देम. सो वहाँ पर मैं गई, ऊपर जब हमारी अपॉइंटमेंट की बारी आ गई थी हम ऊपर गए, दे सेड अभी फुल है अभी मत आओ. सो उन्होंने मुझे भेज दिया मारवाड़ कोटेहोर में. सो अगर आपको नहीं पता, आशियाना कोटेहोर एंड मारवाड़ कोटेहोर का कोलैबोरेशन है, वो दोनों एक ही अपॉइंटमेंट बेसिस पे वर्क करते हैं. सो वहाँ पर एक गाइड था, वो हमें मारवाड़ कोटेहोर में ले गया. मारवाड़ कोटेहोर जो है वो चांदनी चौक की मेन रोड पर है, जहाँ से आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हो मेन रोड पर ही है. अगेन बाहर से जज नहीं कर सकते, अंदर जाके ताजमहल जैसा शोरूम था वो, लिटरली वो संगे वहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ था, इतने सुंदर लहंगे. एंड अगर आपको नहीं पता, आप एक बार इंस्टाग्राम पे जाओ, जस्ट सर्च मारवाड़ कोटेहोर, आपको सारे वहाँ पे लहंगे दिख जाएंगे. वो मारवाड़ वाले जो लहंगे हैं ना, जो आजकल सस्ते चांदनी चौक में भी बड़े वायरल हो रहे हैं, जो वायरल लहंगा जिसका नाम है, वो मारवाड़ कोटेहोर से ही इंस्पायर्ड है. लेकिन मारवाड़ की लेवल ही अलग है, जब आप अच्छा पैसे लगाया हुआ लहंगा देखते हो ना, उसकी क्वालिटी अलग लेवल की होती है. सो मैंने वहाँ पे एक लहंगा ट्राई किया. अगेन वहाँ पे जो मारवाड़ कोटेहोर के आजकल लहंगे चल रहे हैं वो वेलवेटी वाले चल रहे हैं, वही नीचे वायरल वाला जो थोड़ा बहुत डिजाइन होता है और यहाँ पे वेलवेट का पट्टा होता है, बहुत मतलब इतना ह्यूज हैवी घेरा मैंने आज तक ट्राई नहीं किया. रिमेंबर मैं ट्रायल रूम से चल भी नहीं पा रही थी, मैं ऐसे ऐसे करके निकल रही थी बिकॉज का घेरा इतना एक्सट्रीमली हैवी था. आई वाज लाइक मुझे अपना फंक्शन एंजॉय करना है, मैं ऐसे डॉल बन के नहीं बैठी रहूंगी. 3.5 to 4 lakh के बीच में उसका प्राइस था. वहां से देखा, चलो हमने कहा चलो वापस आशियाना कोटेहोर चलते हैं. आशियाना कोटेहोर गए. आशियाना कोटेहोर काफी फेमस है इंस्टाग्राम पे, आप देखते हो वहां पे ऐसे एक घंटी बजाती हुई लड़कियां बाहर आती हैं, जब लहंगा फाइनल हो जाता है तो ऐसे वो घंटी बजवाते हैं, वॉक करवाते हैं. सो वही आशियाना कोटेहोर, वहाँ पर आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाओ, हैंड टू हैंड अपॉइंटमेंट नहीं चलेगी, आपको एक या दो दिन पहले ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. आशियाना कोटेहोर के आप इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे, आपको उनके बायो में दिख जाएगा फिल दिस फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट. तो मैं वो अपॉइंटमेंट पहले ही लेके गई थी, बट स्टिल एक घंटे की वेटिंग मिली. सो ऊपर गए एंड मैंने जाती उनको बोला था कि मुझे रेड लहंगा ही पहनना है, रेड लहंगा इज अ प्रेफरेंस. तो ये पीच लाइट कलर के लहंगा मत ही दिखाओ बिकॉज ऑब्वियसली नहीं बन सकते. और मुझे तब तक पता चल गया था कि एक या डेढ़ महीने का टाइम है, ये मुझे इस कलर में लहंगा बना के तो देंगे नहीं. तो मैंने पहले ही बोल दिया था 25 फेब की शादी है, दे सेड बहुत कम टाइम है. वहाँ भी उन्होंने डरा दिया, बहुत कम टाइम है, आप क्या कर रहे हो, इतने कम टाइम में आप क्यों आए हो. सुधीर भाई पे भी हमने बाहर कलेक्शन देखी. सुधीर भाई के पास पूरी सब्यसाची कलेक्शन है, तो ट्रस्ट मी अगर आप सब्यसाची का 4-5 lakh का लहंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, सुधीर भाई जाओ, आपको सेम लहंगा 80-70, 1 या 1.5 lakh में मिल जाएगा. सो भाई सुधीर भाई में भी सेम कंसेप्ट है. आजकल चांदनी चौक में नया कंसेप्ट शुरू हो गया है कि आपको एक जगह नॉर्मल लहंगा दिखाएंगे लाइक अंडर 1 lakh, जो 50, 60, 70, 80 वाले होते हैं, और 1.5 lakh से ऊपर के जो लहंगे होते हैं उसका उन्होंने एक अलग स्टूडियो स्पेस बना दिया है जहां पर आपको अपॉइंटमेंट ही लेनी होगी. सो बेसिकली इन्होंने फिल्टर आउट कर दिया ताकि हर कोई ऐसे वॉक इन ना करे, बिकॉज अगर एक ही जगह सारी लहंगे दिखाएंगे तो फिर बंदा टाइम पास के लिए भी देखता रहेगा. भाई सर मुझे स्टूडियो में जाना है, मुझे स्टूडियो की अपॉइंटमेंट दो. सो दे सर हैंड टू हैंड ले लो. वीकडे जाने का यही फायदा हुआ, अगर मैं सैटरडे संडे में जाती ना, संडे तो वैसे बंद होता चांदनी चौक, लेकिन अगर मैं सैटरडे जाती तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलती. सो आई वुड एडवाइज यू, कभी भी चांदनी चौक जाना है ना, हमेशा वीकडेज में जाओ, लाइक ट्यूजडे, वेनेसडे, थर्सडे, बीच में 3 दिन होते हैं, ये थोड़े से वहां पे कंपैरेटिवली लेस रश वाले होते हैं, और जब साया नहीं होता तब तो वैसे ही खाली होते हैं. सो देयर इज अ चांस कि अमाउंट शायद रिड्यूस भी हो जाए. सुधीर भाई तो नहीं, लेकिन और भी छोटे छोटे जो स्टोर्स हैं वो शायद अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज तब साया नहीं होता तो उनके पास इतनी सेल नहीं होती. सो सुधीर भाई पे भी मैं ऊपर गई अपॉइंटमेंट वाला, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे सुधीर भाई को फॉलो करते हो, ऐसे वो रोज चार करते हैं, लड़की चल के आती है कर्टेन हटा के. सो वो उनका एरिया है स्टूडियो वाला एरिया, वहां पर आपको लहंगे मिलते हैं 1.5 lakh से ऊपर. सो वहां पर ही मैंने लहंगा ट्राई किया. अब क्या है, मेरे पास रिंपल लहंगे की ना फोटो थी, तो मैं सबको ऐसे दूर पूरी फोटो ही दिखा रही थी, बिकॉज पूरी फोटो देखते ही सबको पता चल जाता है कि ये डिजाइनर स्टोर का पहन के आई है. सो वो नाक ना करते करते भी मुझे ओवर करके प्राइस बताते. सो मैं सबको ना ऐसे जूम जूम करके दिखा रही थी. एंड ट्रस्ट मी, रिम्पल के लहंगे इतने फेमस है ना, मैंने जिस जिस स्टोर में चांदनी चौक में ऐसे जूम करके भी दिखाया है ना, वो मोर को देखते ही पहचान गए कि ये रिम्पल का लहंगा है. दे सेड हाँ ये रिम्पल का लहंगा है, बट जैसे ही उन्होंने लहंगा देखा दे सेड ये शायद कोई न्यू कलेक्शन का है, बिकॉज जितनी भी रिम्पल की ओल्ड कलेक्शन है वो आपको सुधीर भाई में, थोड़ा बहुत सूर्य में मिल रही थी. यस, चांदनी चौक के आपको मेजर स्टोर्स में सब्यसाची की, मनीष मल्होत्रा की, रिम्पल की कलेक्शन मिल जाती है. आप किसी भी स्टोर में चांदनी चौक
में जाओ, आप बोलो मुझे रिम्पल हरपीट दिखाओ, वो आपको रिम्पल हरपीट के सारे जो ओल्ड स्टाइल वाले लहंगे हैं ना जो चल रहे हैं गोटा पट्टी वाले वो दिखा देंगे, लेकिन जिस लहंगे पर मेरा दिल आया हुआ था वो लहंगा उन्होंने दिखाया नहीं, बिकॉज दे सेड ये तो हमने पहली बार देखा है, ये शायद उनकी न्यू कलेक्शन में आया है। सो ऐसा नहीं है। सो सुधीर भाई पे उन्होंने मुझे रिम्पल के 2-3 और लहंगे दिखाए। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करूंगी एक्चुअल रिम्पल के एक लहंगे की, जिसका डिटो ड्यूप मैंने वहाँ पे ट्राई किया था सुधीर भाई पे। अगेन मैं पिक्चर नहीं खींच सकती थी बिकॉज वहाँ पे अलाउड नहीं है। सो इस लहंगे की जो कॉस्टिंग सुधीर भाई पे बोली गई थी मुझे, इट वॉज अराउंड 2.5 लाख या 2.5 लाख के अराउंड इसकी वैल्यू थी, एंड ओके लगा मुझे। मतलब ऐसे देखते ही पहनते ऐसा ही लगा कि वाओ। वो क्यों नहीं लगा, बिकॉज उसी लहंगे पे मेरा दिल अटका हुआ था, मैं हर चीज़ को उसी से कंपेयर कर रही थी। एक होता ना कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाता तो उसके बाद कुछ पसंद नहीं आता, तो मेरे साथ वही सीन था। उस लहंगे से ही मैं हर चीज़ को कंपेयर कर रही थी और मुझे पसंद नहीं आ रहा था। सो आई वाज लाइक नहीं समझ आ रहा। चलो ऐसे करते करते पूरा दिन लग गया। यस, चांदनी चौक में कम से कम आपके 4 से 5 चक्कर लगेंगे अगर आपको पूरा चांदनी चौक एक्सप्लोर करना है, बिकॉज ये जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं लाइक आशियाना कोट्योर, मारवाड़ कोट्योर, सुधीर भाई, सूर्या साड़ीज, इनके जो स्टूडियो वाली प्लेस होती है आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एंड अपॉइंटमेंट के बाद टाइम लगता है वहाँ पर। तो ऐसा मत सोचना आप एक दिन में पूरा चांदनी चौक एक्सप्लोर कर लोगे, ये बड़े बड़े शोरूम्स में आपका एक दिन निकल जाएगा, उसके बाद जाके आप थोड़े बहुत छोटे मोटे स्टोर एक्सप्लोर करोगे। नाउ नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी 10 दिसंबर को डिफेंस कॉलोनी। 10 दिसंबर को मैंने अमन को बोला एक बार जरा डिफेंस कॉलोनी में होके आते हैं, तो मैं अमन के साथ ही डिफेंस कॉलोनी गई थी, बिकॉज मुझे किसी ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी में भी 2-3 स्टोर्स हैं। तो वहाँ पर मैं गई एजाज कोट्योर में, जो काफ़ी फेमस है, एजाज कोट्योर के लहंगे काफ़ी फेमस है। वहाँ पर भी मुझे एक ब्राइट रेड कलर का लहंगा पसंद आया, अगेन उसका भी जो अमाउंट था वो था 3.5 लाख के अराउंड। सो एजाज कोट्योर से निकलने के बाद हम गए साउथ एक्स की मार्केट में, फ्रंटियर रास। बाय द वे इफ यू डोंट नो, फ्रंटियर रास एंड फ्रंटियर बाजार आर टू डिफरेंट कलेक्शन बेसिकली। फ्रंटियर रास जो है वो थोड़ी सी हाई एंड कलेक्शन है, मतलब वहाँ पे थोड़े से अच्छे एक्सपेंसिव वाले लहंगे हैं, एंड फ्रंटियर बाजार जो है वहाँ पे थोड़े से अफोर्डेबल वाले लहंगे होते हैं। लाइक रजौरी में अगर आप फ्रंटियर बाजार जाओगे वहाँ पे थोड़े से अफोर्डेबल वाले लहंगे होते हैं। तो मैं फ्रंटियर रास में गई थी साउथ एक्स की मार्केट में, मुझे अच्छे लगे वहाँ पे लहंगे, लेकिन अगेन उस पर दिल आया हुआ था तो मैं कुछ पसंद ही नहीं कर पा रही थी। मुझे एक दो लहंगे सॉर्ट ऑफ मैंने बैकअप के लिए रख लिया कि अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा मैं फ्रंटियर रास में जाऊंगी, ये वाला लहंगा पिकअप कर लूंगी। रेड कलर में काफी अच्छी कलेक्शन थी, तो अगर आप भी रेड लहंगा पहनना चाहते हो आप फ्रंटियर रास जा सकते हो, आई लाइक द कलेक्शन। नाउ फ्रंटियर रास तो मेन रोड पे आता है साउथ एक्स की मार्केट में, उसमें अंदर जाते ही थोड़ा सा अंदर फर्स्ट स्टोर है कल्की फैशन का। नाउ वहां पर मैंने एक लहंगा ट्राई किया जो काफी अच्छी, मतलब वेस्टर्न वाइब दे रहा था, मतलब उसकी एकदम वेस्टर्न वाली मॉडर्न वाली वाइब्स थी, उसकी वो देसी वाली लुक नहीं आ रही थी। वो लहंगा ये वाला है, बाय द वे मैं पिक्चर इंसर्ट, मुझे थोड़ा सा इधर हो जाना चाहिए वैसे, मैं अभी पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। आप देख सकते हो ये मॉडल की पिक्चर है, ऑब्वियसली मेरी पिक्चर नहीं है पहने में, बिकॉज अगेन फोटोग्राफी नॉट अलाउड। एंड ट्रस्ट मी जितने भी स्टोर्स है ना ये अपने आईपैड से भर भर के फोटोज लेते हैं। मैं चांदनी चौक जितने स्टोर्स में गई उन्होंने अपने आईपैड से बहुत सारी फोटोज लिया, मैं कल्की में भी गई उन्होंने अपने आईपैड से फोटोज लिए, लेकिन वो आपको खींचने नहीं देते अंटे अनलेस आपने पे कर दिया है, आप फाइनल कर रहे हो वो लहंगा, वो आपको पिक्चर लेने नहीं देते। सो मुझे ये लहंगा सॉर्ट ऑफ अच्छा लगा। इस लहंगे का प्राइस था 1.7 लाख, ये इनकी ऐप पर भी अवेलेबल है, कल्की की अगर आप वेबसाइट पे भी जाओगे ये 1.69 लाख का लहंगा अवेलेबल है। सो मुझे ठीक लगा। जो लहंगे की पेज था उसमें नीचे रिव्यूज थे, उसमें रिव्यू में एक लड़की ने पहन के अपनी पिक्चर डाली हुई थी, मतलब प्रॉपर ब्राइडल रेडी होकर पिक्चर डाली हुई थी, एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब मैंने जैसी उस लड़की की पिक्चर देखी ना, लाइक यार ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा। ओनली थिंग आई वॉज कंसिडरिंग दिस लहंगा, ये एक लेबल का लहंगा था, कल की एक लेबल है, प्लस ये मुझे बजट में पड़ रहा था, मेरा 2 तक का ही बजट था, मैं 2 से ऊपर ज्यादा नहीं स्पेंड करना चाहती, तो मुझे 1.7 में मिल रहा था, बट अगेन वो पिक्चर देख के नहीं मजा आया। सो स्टोरी हो गई एंड। अब गए हम 14 दिसंबर को शाहपुर जाट। यस, मुझे किसी ने बोला एक बार शाहपुर जाट भी होके आओ, मैं लिटरली इस टाइम तक ऐसी हो गई थी, मुझे जो एडवाइस दे रहा था मैं सुन रही थी। ऐसा होता ना कभी कभी क्राइसिस होते हैं, आपको जो एडवाइस देता है आप उसको अमल करने लग जाते हो। सो मेरे साथ भी वही हुआ, मेरी क्राइसिस वाली सिचुएशन चल रही थी, मुझे जिसने बोला शाहपुर जाट जाओ, मैं अगले दिन 14 दिसंबर को शाहपुर जाट गई। सो अगर आपको नहीं पता शाहपुर जाट साउथ दिल्ली साइड पड़ता है, हौसखास आपको शायद उतरना होता है, गाँव जैसा वो एरिया है, गलियों गलियों में बहुत सारे स्टोर्स हैं, स्टोर्स काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ पे गुलाबो करके स्टोर था, मुझे इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। 2-3 और स्टोर थे जिनकी कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे अभी नाम इतना याद नहीं है। सो डेफिनेटली अगर आपका बजट है, फिर आप कुछ सगन के लिए गाउन देख रहे हो, आप कुछ और फंक्शन के लिए आउटफिट्स देख रहे हो ना, आप डेफिनेटली शाहपुर जाट जा सकते हो, मुझे कलेक्शन अच्छी लगी। लेकिन अगेन मैंने वहाँ पे 2 ब्राइडल लहंगा ट्राई किए अलग अलग स्टोर से, मुझे नहीं समझ आया, मतलब भाई मेरा वहीं दिल अटका होता है, नहीं यार उससे अच्छा नहीं है। 15 दिसंबर, नाउ 15 दिसंबर इज द डे। सो क्या हुआ, 14 दिसंबर के अराउंड में अपनी एक भाभी से मिली, शी सेड मेरे दोस्त का स्टोर है चांदनी चौक में, मतलब उनके काफी सारे स्टोर्स हैं, वो रेंटल पे भी देते हैं। यही एक दोस्त का स्टोर है चांदनी चौक में बाय द नेम ऑफ जीनत प्लाजा, एंड वो बहुत अच्छे लहंगे बनाते हैं। पिक्चर दिखाई शी सेड, देख प्रॉपर उन्होंने देख के बना के दिया, कितना सुंदर बना के दिया, क्वालिटी कितनी अच्छी है, कस्टमाइज भी करा सकते हो, बिकॉज क्या होता है डिजाइनर में आप कस्टमाइज नहीं करा सकते।
यस, ये चीज़ें मुझे रिसेंटली मतलब तभी पता चली शॉपिंग के टाइम जब मैं डिज़ाइनर स्टोर्स में गई थी ना, लाइक मेहरोली वगैरह में। आप कहीं भी जाओगे, आप किसी को बोलो ना कि इसका बॉर्डर कम कर दो या फिर ये वाला काम हटा दो, द आंसर विल बी नो, बिकॉज कोई भी डिज़ाइनर कस्टमाइजेशन अपने आउटफिट में नहीं देता। ये डिज़ाइनर ने मेहनत करके एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, वो उसको ऊपर नीचे नहीं करते, वो खाली ऑल्टर करके देते हैं, दैट्स इट। सो ऑब्वियसली यार, शादी जिंदगी में एक बार होती है, ऐसा तो है नहीं ना आपको डिज़ाइन डिट्टो पसंद आ जाएगा। आप थोड़ा बहुत तो चाहोगे ना कि मुझे दुपट्टा ऐसा चाहिए। जीनत प्लाजा में गई, चांदनी चौक में ही है, आई थिंक क्या नाम है वो गली का, कुछ नाम है, मैं यहाँ पे नीचे इंसर्ट कर दूंगी। आप बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलोगे, मेन रोड पे आओगे, थोड़ा सा रोड क्रॉस करती है हल्के से राइट में उनकी गली पड़ती है, बाहर भी आपको काफ़ी लोग दिख जाएंगे, वो आपको छोड़ आएंगे जीनत प्लाजा, आप उनको बोलो। सो जीनत जो है, इट्स मोर लाइक अ कारीगर वाली शॉप। ये आप बहुत सारी और भी शॉप्स को ऐसे सप्लाई करते हैं, लहंगे बना के देते हैं बड़े बड़े डिजाइनर्स को भी, ये अपने क्लॉथ मटेरियल हैंडवर्क वाले काम को सेल करके देते हैं। सो ये कारीगर वाली दुकान है, जिनके पास बहुत अच्छे कारीगर होते हैं जो आपको अच्छे डिजाइनर लेवल का काम करके देते हैं। सो मैंने इनको वहाँ पे, इन्होंने मुझे दो तीन और रिम्पल के लहंगे दिखाए जो पहले से इनके पास थे, मुझे वो नहीं पसंद आए। एक मैं ऑलमोस्ट फाइनल करने वाली थी, बट फिर आई वाज लाइक नहीं यार, मेरा उसी पे दिल आया हुआ तो क्यों ना मैं उसी को कस्टमाइज कराऊँ। मैंने वहाँ पे ये वाली फोटो दिखाई अपने वाले रिम्पल की लहंगे की जो मैंने पहना हुआ था, मैंने दो तीन पिक्चर्स और ऑनलाइन दिखा दी उनको। ये अनन्या पांडे ने भी पहना हुआ है स्काई ब्लू कलर में रिम्पल का लहंगा, मैंने वो भी पिक्चर्स दिया कि ऐसा लहंगा मुझे डिट्टो मिल सकता है बिकॉज मेरा इसी पे दिल आया हुआ। सो इज लाइक यार, हम बना सकते हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी बिकॉज आप स्क्रैच से कोई लहंगा बनाते हो ना, पहले उसका खाका बनता है, खाका माने ब्लूप्रिंट, पहले एक बटर पेपर के ऊपर उसका पूरा एक डिज़ाइन उतारा जाता है, और जब डिज़ाइन उतारा जाता है ना, जो एक्चुअल डिज़ाइनर उसको ड्रॉ करता है वो काफ़ी हाई अमाउंट लेता है, बिकॉज मेन जो प्राइस है उस डिज़ाइनिंग का ही है, उसके बाद कारीगर उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। तो ये तो बिल्कुल स्क्रैच से हो गया कि एक एक चीज़ फ्रॉम स्क्रैच बनेगी। जो आप रेडीमेड लहंगा कोई चांद चौक में पसंद करोगे ना, उसमें इतना पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे केस में पूरा स्क्रैच से बनना था। सो आई वाज लाइक कोई नहीं, अब मतलब अगर मुझे एवरेज से एवरेज चांदनी चौक में जो लहंगे मैं स्टूडियो वाले कलेक्शन के देख के आई थी, वो ढाई तीन चार पता नहीं कितने लैक्स के मिल रहे थे, तो क्यों ना मैं फ्रॉम स्क्रैच लहंगा बनवाऊँ जो मुझे डिज़ाइन भी पसंद है, मैं थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन भी करा सकती हूँ। सो मैंने उनको समझाया कि मुझे ऐसे ऐसे डिज़ाइन ये वाला चाहिए, कलर एकदम ब्राइट रेड वाला चाहिए, लेकिन ऑर्गेन्जा भी नहीं चाहिए, सिल्क पे चाहिए। जो रिम्पल का लहंगा था ना, वो नेट के ऊपर काम हुआ होता, वो ऑर्गेन्जा पे था, ऑर्गेन्जा पर जब काम होता है, नेट पर जब वो काम बना होता ना, उस देयर इज अ चांस कि वो फट जल्दी जाता है बिकॉज उसके ऊपर फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो मैंने लहंगा बनवाया सिल्क पर, आई सेड मुझे ये सेम डिज़ाइन आप सिल्क पर बना के देना। उन्होंने मुझे रॉ सिल्क पर लहंगा दिया, मैंने वहाँ पे मटेरियल चूज कर लिया, कलर वाला सब चूज कर लिया, दुपट्टे का बता दिया कैसे कैसे कस्टमाइजेशन चाहिए। हेड का दुपट्टा मैंने डिफरेंट रखा, मैंने एकदम लाइट पिंक कलर का दुपट्टा बोला उनको, सो दैट हल्का सा एक डिफरेंट लगे। हेड का दुपट्टा हमेशा नेट का होना चाहिए, ये एक एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ। आप कभी भी ब्राइडल लहंगा बनवाओ, अगर आपको एक अच्छी रिच लुक चाहिए, आप फ्रंट का दुपट्टा ऑर्गेन्जा का ले सकते हो, बिकॉज ऑर्गेन्जा की लुक काफ़ी अच्छी रिच आती है, बहुत प्यारा एक क्लासी लुक देता है। लेकिन जो सर का दुपट्टा होता है, एक तो उस पर काम हल्का होना चाहिए, प्लस वो नेट का होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका हेड हल्का रहता है बिकॉज ऑलरेडी आपने इतना बड़ा बन बनाया हुआ है, इतनी सारी ज्वेलरी डाली हुई, अगर आप उसके बाद कोई हैवी सा दुपट्टा सर पे ले लोगे ना, आपका हेडेक होगा। एंड टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा सर का दुपट्टा बहुत लाइट वेट था बिकॉज मैंने नेट में करवाया था। सो ये तो हो गया फाइनल, उसके बाद आई अमाउंट की बारी। सो अमाउंट डिस्कस करने में ऑब्वियसली टाइम लगा। सो मुझे चाहिए था हैंडवर्क का लहंगा। अब क्या होता है ना, लहंगों में दो टाइप आपको मिलेंगे, एक होता है मशीन का लहंगा, जो आज के लिए वायरल वाले लहंगे ही दिख रहे, जो आपको चांद चौक में 40-50-60 हज़ार के मिल जाते हैं, 40,000-30,000 के मिलते हैं, वो होते हैं मशीन के लहंगे। वो मशीन पे एक बार डिज़ाइन चढ़ जाता है, उसके बाद वो एकदम धड़ाधड़ करके बहुत सारे लहंगे बनाने शुरू कर देते हैं बिकॉज वो हाथ का काम नहीं होता है, मशीन का काम काफ़ी दबा हुआ काम होता है, वो दिखता है कि ये मशीन का काम है। एंड शादी जिंदगी में एक बार होती है यार, आई रियली वॉन्टेड कि मैं एक अच्छे हैंडवर्क का लहंगा पहनूँ, बिकॉज मैं डिज़ाइनर लेवल में जाके लहंगे देख आई थी अच्छे वाले, तो मेरा मन नहीं था मशीन वाला लोकल लहंगा पहनने का। सो आई सेड मुझे तो हैंडवर्क का लहंगा ही चाहिए। सो उन्होंने पूरी कॉस्टिंग बताई कि इसकी कॉस्टिंग इतनी इतनी जाने वाली है, हमने काफ़ी ज़्यादा बार्गेन किया। सो फाइनली ये लहंगा मुझे पड़ा है, मैं फाइनली बता देती हूँ, ये मुझे पड़ा है 2+ का, मतलब 2 तो मिनिमम मैंने दिए ही दिए हैं, प्लस क्या हुआ, इन्होंने मुझे ब्लाउज़ पूरा बना के नहीं दिया, मैंने ब्लाउज़ अपने टेलर से ही पहले उसका खाका बनवाया। सो आपका जो लोकल टेलर होगा, जिससे भी आप ब्लाउज़ बनवाने वाले हो, क्या करता है वो आपको ब्राउन कलर का जो पेपर होता है ना, उसके ऊपर कट पीस बना के देता है। तो अगेन मैंने रिम्पल वाली फोटो दिखाई, आई सेड मुझे ऐसा ही वी नेक का स्टाइल का ऐसी स्लीव वाला लहंगा चाहिए, डिज़ाइन ऐसा चाहिए। सो मैंने वो भैया को भी दिखाया, उन्होंने मुझे हैंड टू हैंड पेपर कटवर्क से पूरा कटवर्क दे दिया, तो उसमें फ्रंट का चेस्ट वर्क अलग आता है, बैक का अलग आता है, स्लीव का अलग आता है, उन्होंने मुझे पेपर बना के दिया। सो नेक्स्ट डे मैं दोबारा उसी शॉप पे चांद चौक की दुकान पे गई, मैंने वो पेपर उनको दे दिया, फिर वो पेपर के ऊपर वो हैंडवर्क करना शुरू करते हैं बेसिकली, और फिर वो मुझे उन्होंने कुछ टाइम बाद एक कपड़ा दे दिया था पूरा पीस,
उसके ऊपर सारा ब्लाउज का जो कटवर्क वाला डिजाइन होता है पूरा हैंडवर्क वाला उसके ऊपर बना के दिया था। फिर अगेन मैं उसको अपने लोकल टेलर के पास लेके गई और उन्होंने मुझे ब्लाउज स्टिच करके दिया। सो उस ब्लाउज की स्टिचिंग अलग हो गई, वो ब्लाउज की स्टिचिंग मुझे पड़ी थी 3.5 के अराउंड। यस, हैंडवर्क का लहंगा है, बहुत ज्यादा भारी काम था, कटवर्क होता है, स्कैल्पिंग होती है, नॉर्मल जो बॉर्डर जाता है वैसे जाता है लेकिन स्कैल्पिंग होती है जिसमें ऐसे ऐसे करके डिजाइनिंग होती है, तो उसमें एक स्कैल्पिंग की मशीन यूज करी जाती है जिससे वो डिजाइन कटा जाता है। सो वही वो कॉम्प्लिकेटेड वाला डिजाइन था। तो ब्लाउज मुझे 3.5 का पड़ा है, विच इज 3500 का। सो लहंगा जो मुझे अलग से पड़ा है वो 2+ का पड़ा है। अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर क्यों नहीं बता रही, बिकॉज आई डिस्कस विद द पर्सन जो मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे, उनका मिशिका कुटोर, उनकी अपनी ब्रांड भी है, मैं आप नीचे भी उनका नंबर और डिटेल्स डाल दूंगी। अगर आपको मेरे जैसा लहंगा चाहिए आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं नीचे उनका नंबर डाल दूंगी, आप उनको कभी भी DM करो, ही विल ऑलवेज रिप्लाई यू, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। उन्होंने मुझे पूरी जो मेरी लहंगे बनने वाली जर्नी है ना बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे पेशेंटली समझाया भी कि वाई डिज़ाइनर लहंगा, कि डिज़ाइनर लेने से अच्छा खुद बनवाओ, अच्छा हैंडवर्क का लहंगा खुद बनवाओगे ना उसकी क्वालिटी अलग निकल के आएगी। सो इसलिए मैं आपको फिक्स प्राइस नहीं बता रही, बिकॉज ये लहंगा का प्राइस चेंज होगा आपके हिसाब से। क्या पता आपको चांदी के तार का काम नहीं कराना हो तो ये लहंगा शायद 2 से भी कम का बन जाए। क्या पता आपको इतने सारे पैटर्न्स नहीं चाहिए, आपको थोड़ा बहुत ही पैटर्न चाहिए मेरे वाले लहंगे वाला, तो क्या पता इसका प्राइस और कम हो जाए, या फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए हो तो प्राइस बढ़ सकता है। 7 फेब को मेरी ट्रायल डेट थी। अब एक हैट मैं आपको और बताने वाली हूँ, कभी भी अपनी शादी से 1 वीक पहले की डेट मत देना। कोई भी आप स्टोर पे जाओगे चाइन चौके मत बोलना कि मेरी 25 फेब को शादी है, अच्छा मुझे 20 फेब को लहंगा दे दो, नहीं। बिकॉज जब भी आप फर्स्ट डेट दोगे ना थोड़े बहुत उनके साइड से भी डिले हो सकते हैं। सो मैंने उनको क्लियर बोला था मुझे 10 फरवरी को मेरा लहंगा मेरे हाथ में चाहिए, उससे पहले हुआ तो अच्छी बात है लेकिन उसके आगे नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर मैं लूंगी नहीं। मैंने स्ट्रेट अवे बोल दिया 10 फरवरी को मुझे डन करना अपना लहंगा, बिकॉज उसके बाद घर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, चीज़ें होती हैं नहीं ले पाते आप, ज्वेलरी लेनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो 7 फेब को टचवुड उन्होंने डेट टू डेट पे एकदम बना के मुझे दे दिया। आई रिमेंबर जब मैं वो उनके स्टोर में अंदर एंटर करी दुकान पे, सामने वो लहंगा लटका हुआ था एंड उन्होंने करवाया उसमें मिरर वर्क। मुझे आइडिया ही नहीं था कि वो उस लहंगे पे वो जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं ना उसको थ्रेड वर्क को हटा के उसमें मिरर लगाने वाले हैं। एंड जब मैं घुसी उस पर ऐसे लाइट पड़ रही थी एंड पूरा लहंगा लिटरली चमचम कर रहा था। जब मैंने वो लहंगा ट्राई किया, ट्रस्ट मी, ऐसा था कि एक मैंने एक सांस ली थी राहत की, ओ माई गॉड, मैंने इतने जो 2-3 महीने भागा दौड़ी करी है ना, वो रिजल्ट फाइनली मिल रहा है। वो लहंगा बिल्कुल वैसे निकल के आया जैसा मुझे चाहिए था, इनफैक्ट उससे 10 गुना बेटर बनाया है। आई थिंक पहली बार हुआ हो कि डिजाइनर से बेटर काम एक रेप्लिका ने कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली रेप्लिका ही था, मैं तो पूरा आपको सच ही बता रही हूँ। इंस्पिरेशन तो डिजाइनर की थी ना, बट ट्रस्ट मी वो जो मिरर वर्क उसमें ऐड हुआ है ना वो लेवल अप हो गया था। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, एज यूजुअल ब्राइडल लहंगा और कोई गड़बड़ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे लहंगे में भी एक सॉलिड गड़बड़ हो गई थी, मेरा जो हेड का दुपट्टा था वो उन्होंने कर दिया था एकदम मजेंटा डार्क कलर का, जो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे लाइट पिंक कलर का दुपट्टा चाहिए था, बिकॉज जब लाल लहंगा होता है तो एक लाइट पिंक कलर काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, एक अच्छा लुक निकल के आता है। सो मैंने उसी टाइम बोल दिया था मुझे चेंज करा के दो हेड का दुपट्टा और फिर मुझे वी फास्ट करा देना, बिकॉज मैं दोबारा नहीं आऊंगी। सो उस दिन मैं अपना लहंगा लेके चली गई थी। दिस वॉज माई फाइनल ब्राइडल लुक, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। मैं यहाँ पे थोड़े से स्नैपशॉट्स भी इंसर्ट कर दूंगी जो फोटोग्राफर ने क्लिक किए थे, आई पर्सनली लव्ड इट। मैंने बहुत सारे शूट्स कराए थे, बिकॉज ये दिन दोबारा नहीं आता, ऐसे रेडी कोई बार बार नहीं होता। सो मैंने बहुत सारे शूट कराए थे, आई वाज लाइक इस एंगल से लो, इस एंगल से लो। एंड आई होप आपको ये लहंगा पसंद आया होगा। डू लेट मी नो हाउ, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट। एंड अगर आपकी भी कोई ब्राइडल लहंगा की स्टोरी रही है, आपका कोई स्ट्रगल स्टोरी भी रही है, या फिर आपका कोई चांदनी चौक में कोई भी शॉप के साथ एक्सपीरियंस रहा हो, प्लीज़ वो भी नीचे शेयर करना। आई ऑलवेज से कि कॉमेंट सेक्शन को भी थोड़ा यूजफुल बनाए करो, आपका कोई भी अच्छा बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस हो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करना। जो भी सारी डिटेल्स होंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैंने लहंगा किन से बनवाया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में दे दूंगी कि आप उनको मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे अपना कोटेशन, या फिर आपको कोई और लहंगा ही बनवाना हो, अगर आप कोई और डिज़ाइन इंस्पायर्ड लहंगा भी बनवाना चाहते हो आप वो भी उनसे बनवा सकते हो, बिकॉज वो आपको पूरा जो आप दिखाओगे ना आपको वैसा बना के देंगे। आप कुछ सेल्फ डिजाइनिंग भी कराना चाहते हो तो आप वो डिजाइन भी उनको दे सकते हो, उनका यही काम है आपके दिए हुए डिजाइन को आपके ब्राइडल आउटफिट पे उतारना। सो डेफिनेटली आप नीचे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नो कोलैबोरेशन एट ऑल। मैंने अपने किसी भी आउटफिट में, कोई भी फंक्शन वेडिंग के आउटफिट में कोलैबोरेशन नहीं लिया है, बिकॉज मुझे ये था कि मैं खुद लूंगी और अच्छा ही लूंगी। कभी कभी कोलैबोरेशन के चक्कर में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो मैं नहीं करना चाहती थी। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।